आज हम इंटीग्रेशन के फर्दर क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमारे बात होंगे। उसी मैंने मिसलेनियस स्टार्ट की थी ना, तो मिसलेनियस का आज हम क्वेश्चन नंबर 18 के साथ करवा दिया था, 19 करवा दोगे जो अच्छे से क्वेश्चन नहीं करवा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स और दिस एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। x कहां से बिलोंग करते हैं बेटा, 0 to 1, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखो, आपको इनवर्स फंक्शन में प्रॉपर्टीज बताई होगी, मैंने बताया भी होगा आपको, अगर नहीं बताया तो आप उस चीज को जानो। यहां पे लिखेंगे सिंस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू, मैंने बताया था पाई बाई टू। जब भी आपका दो एंगल सेम होते हैं बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू, ठीक है ना। चलो इसका हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ से हम साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन इनवर्स रूट एक्स कितना होगा बेटा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी पाई बाई टू माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब ऐसा करने से फायदा हुआ क्या सर, बेटा इन दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल। अब देखो यहाँ पे आपको पता है साइन इनवर्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितना आपके पास पाई बाई टू माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स और ऑलरेडी माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स था, डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे मिल गया हमें पाई बाई टू, क्या मिला पाई बाई टू ये मिला, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हुई सबको, बोलो ठीक है डन। चल अब देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा पाई बाई टू माइनस में दोनों लाइक टर्म में बेटा, तो कॉस इनवर्स एक्स ऐड हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय पाई बाई यहाँ पे डीएक्स, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम अलग अलग करेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 dx और ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा बेटा 4 by pi इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। तो हमको यहां तक मिल गई ये वैल्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया इसको, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x, क्या हो जाएगा x माइनस में ये 4 by pi, ये मैं i1 लिख लेता हूँ। अब मैं टारगेट हो गया हमारा i1 का इंटीग्रेशन करना है, तो i1 की इंटीग्रेशन करने के लिए करें क्या, मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ देखना, तो i1 कितना है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन cos इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, और आप cos इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन पता है, i1 इज इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन cos इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन पता है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे फिर करता हूँ लेट cos इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख देता हूँ बेटा टी, यहाँ पे रूट टी इज इक्वल टू कितना, सॉरी रूट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा cos t, cos t, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो भाई अगर रूट एक्स इक्वल टू cos t आ गया बेटा, स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t डेरिवेटिव करते हैं कितना आएगा dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 2 cos t into sin t in माइनस में, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा dx इक्वल टू, इसको मैं sin 2t लिखता हूं बेटा, sin 2t d, यहां तक वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें पुटअप करते हैं, जब इसमें पुटअप करेंगे कितना मिलेगा यहां पे dx की वैल्यू माइनस में sin 2t dt, यहां पे रखा हूं माइनस में sin 2t dt और cos इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा cos t, cos इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू कितनी है t, तो मैं यहां पे t रखता हूं, ये dt हो गया। यानी अब हमारा जो i1 था बेटा वो ये मिल गया, कितना मिल गया t माइनस sin को बाहर कर लो, ये मिल गया sin 2t, यहां तक बात क्लियर हुई सबको। अब यहां पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, क्या लगाएंगे बेटा
प्रोडक्ट रूल, चल भाई प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट है जी सेकंड का इंटीग्रेशन। तो आपको पता है ये अलजेब्रिक और ट्रिगो है, यानी आईलेट लगाएंगे यहाँ पे, तो आईलेट होगा तो यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा बाद में, सेकंड फंक्शन और अलजेब्रिक है तो फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे टी एज इट इज साइन इंटीग्रेशन का, साइन 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2t डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस साइन इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट लिख देता हूं, ठीक है मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट साइन 2t dt माइनस में इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन d बाय dt इनटू t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t। यहां तक बात क्लियर होगी सबको? चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। हमें ये लास्ट में मतलब अब इस चीज को सॉल्व करते हैं बेटा। देखो कितना मिला हमें, I इज इक्वल टू दिखाया, हाँ I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, I वन इक्वल टू कितना मिल गया t इंटू में cos 2t डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव में, यहां से माइनस dt कितना होगा This, one into me. Sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस में होगा, इस साइन को मैं माइनस कर रहा हूं, यहां पे लिखा बेटा माइनस में cos 2t डिवाइडेड बाय 2 dt। यहां तक डन, चल गए इसको सॉल्व करते हैं। इस माइनस बाहर से ऑलरेडी माइनस साइन, ये देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, इस माइनस साइन को मैं बाहर करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई नहीं कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहां पे मिलेगा cos 2t डिवाइडेड बाय 2, ये देखो माइनस बाहर निकल के प्लस, ये 1 बाय 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन cos t dt cos 2t dt फिर कर लेते हैं बेटा, कितना मिलेगा देखो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो t यहाँ पे मिलेगा cos 2 t डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1 बाय 2 cos 2t का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin 2t, कितना होता है sin 2t डिवाइडेड बाय 2 दिस, यानी हमने क्या किया कि I1 का इंटीग्रेशन निकाल, अब I1 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे यहाँ पे, अब बात की कि सर आप x में लेके चले थे और t में निकाला, हम भाई t में निकाल के हटा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं दिस, चलो रूट टी की वैल्यू कितनी थी बेटा cos इनवर्स रूट x, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इन टर्म ऑफ x निकाल रहा हूँ cos इनवर्स रूट x, चलो cos 2t का देखते cos 2t का कैसे निकलेगा, टारगेट यहाँ पे ये है ठीक है ना, देखो साइन 2t का हमें पता है, साइन 2t का हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो cos t पता है, cos t पता है तो हम साइन t निकाल सकते हैं ठीक है ना, तो cos t इसको लिख रहा हूं मैं, cos 2t को मैं चेंज कर रहा हूं 2 sin square t माइनस में 1, cos में चेंज कर, cos t का पता है जिसको मैं लिख रहा हूं बेटा 2 cos square t माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 रीजन, क्योंकि cos t की वैल्यू हमें रूट एक्स पता है, इसे चेंज कर देंगे माइनस में, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 बाई 2, ये 4 लिख दे रहा हूँ बेटा 2 इंटू 4 इंटू में 2 साइन टी इंटू में कॉस टी, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए आप लोग, मैंने कुछ लिखा नहीं है बस ये डरा बैठा है आप, तो हमें कॉस टी की वैल्यू ये बताओ मुझे ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं है, चल भाई अब देखो हम वैल्यू डाल रहे हैं, अब हम वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, देखो कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास cos इनवर्स रूट एक्स इंटू cos t की वैल्यू कितनी है बेटा रूट एक्स, यहाँ पे रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट, कितना मिलेगा 1 बाय 2, sin t की वैल्यू निकालनी है, cos t की पता है तो sin t कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं sin t इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t की वैल्यू x है, कितना मिलेगा बेटा 1 रूट में 1 माइनस x, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डालेंगे रूट में 1 माइनस x इनटू cos t की वैल्यू कितनी हमारे पास रूट में x, देखो हमारी पूरी वैल्यू कंप्लीटली रूट x में आ गई ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिलेगा हमें cos इनवर्स रूट x इनटू में 2x माइनस में 1 बाई 2 माइनस, इस रूट का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट का तो मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये हो जाएगा x माइनस में x स्क्वायर, i1 निकल गई, इस i1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा कंप्लीट, यानी हमारा जो इंटीग्रेशन आया बेटा यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू x
माइनस में 4 बाई पाई दिस आई वन की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली कितना है हमारे पास कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू में 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में 1 बाई 2 रूट में x माइनस x स्क्वायर दिस ये मिल गया क्लियर यहां तक हमें वैल्यू मिल गई अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं देखो क्या मिलेगा हमें थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा ये माइनस में 4 बाई पाई क्या मिला हमारे पास cos इनवर्स रूट एक्स इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा और हमें मिलेगा x इंटू में x माइनस में यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 है ना ये 2 से 2 आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहां पे 2 पाई क्लियर तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास छोड़ जाएंगे यही आंसर छोड़ यही कर लो एक कोई दिक्कत ठीक है इधर सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं डन तो ये था हमारा मिसलेनियस का एक क्वेश्चन और अब अगला करते बेटा हम लोग दिस हाँ इतना कर लेते हैं फिर आगे करेंगे ठीक है ना वही भी छोड़ देते हैं वो भी हमारा सही होगा आंसर टू बाई पाई ठीक है एक मिनट कहीं गलती हुई है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है यहीं पे कर लो कोई दिक्कत नहीं सही है ठीक है अगला देखो 20 क्वेश्चन 20 क्या है हमारे पास वो सही बेटा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बेटा रूट में 1 माइनस में रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स ये इंटीग्रेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस समथिंग दिस ठीक है इसका आपको इंटीग्रेशन करना है इसके बाद वाला गलती हो गई यार अच्छा टी था तो टी एडिटिस था ना फोर बाई फाइव टू एक्स माइनस वन कहाँ से आ गया था अच्छा ठीक है बेटा ये वाली पिक्चर कहाँ से आ गई एक मिनट थोड़ा मैं इसको फिर से कर देता हूँ आपका कहीं ये रॉन्ग हुआ है मेरे से पहले आंसर नहीं मिल रहा ठीक है हमने क्या किया था बेटा आई वन कितना निकाला था आई वन इज इक्वल टू टू इंटू कॉस इनवर्स टी इंटू में टी डी टी ये जो था ना इसी का इंटीग्रेशन निकाला था हमें कॉस इनवर्स रूट एक्स एक मिनट रुको बेटा लंबी हो गई मेरे से यहाँ पे था कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टी था तो यहां से निकाल लेते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास कॉस टी हमारे पास इंटीग्रेशन का बेटा कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे थे कितना मिला था बेटा डी एक्स की तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा हमें हाँ माइनस में था साइन टू टी ठीक है एंड डी टी यही था ना कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू हमने टी रखी थी ये लगती यही था इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फर्स्ट करेगा तो फर्स्ट वैल्यू से सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टू टी यानी कॉस टू टी हो जाएगा
cos root होगा, तो cos inverse x को हमने t रखा था यहाँ पे, सही है, और sin root का तो सही तो है, ठीक है ठीक है, तो cos inverse x को आप sin में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे 1 minus something कर लेना यार, ये sin inverse, अगर answer sin inverse में आया तो आप ऐसे लिख लेना, sin inverse x equal to root में 1 minus cos inverse x, ठीक है, यहाँ से निकाल लो कितना मिलेगा 1 minus x, यहाँ पे डाल देना है minus x root में, ठीक है, यहाँ पे भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, सही है, वो भी गलत नहीं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या था, रूट में 1 minus root x और divided by 1 plus root x, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो रूट एक्स की वैल्यू है ना, रूट एक्स इसको हम पुट करेंगे बेटा, एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कॉस स्क्वायर 2x या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमने पुट कर दिया बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो कितना होगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इनटू में sin theta, तो dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, ये cos theta होगा, 2 cos theta into sin theta d theta, एक मिनट थोड़ा सा तो लिखो, तो यहां से ये मिलेगा, अब इसमें वैल्यू डालते हैं, कितना मिलेगा हमें रूट में 1 माइनस रूट एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना मिलेगा हमें माइनस में कॉस थीटा, और नीचे क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू डी एक्स की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 नहीं रख के चलते बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो cos theta करेंगे तो नेगेटिव दिया जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस cos theta को हमें नेगेटिव रखना है, क्या रखना है बेटा नेगेटिव, ऊपर मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे भी रख रहा हूँ बेटा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1, क्योंकि हमें 1 को रिड्यूस करना है, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें माइनस में 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। चलो अगला यहाँ पे लिखते हैं, अब देखो यहाँ पे रिड्यूस करोगे तो ये मिलेगा हमें कितना, रूट में ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ रूट में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डी थीटा, इसको और सॉल्व करेंगे बेटा तो ये मिलेगा टेन थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, किसको बेटा साइन टू थीटा, इसको ब्रेक करेंगे साइन टू थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इस कॉस को हम ब्रेक कर लेते हैं इन टर्म ऑफ कॉस, ठीक है ना, कॉस से कॉस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी कॉस थीटा छोड़ दो, ठीक है। अब देखो इस टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, ये देखो इससे कैंसिल आउट, हमारे पास माइनस 4 मिला, तो माइनस 4 को बाहर कर लो इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इनटू में क्या मिलेगा बेटा हमें कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ तक मिल गया, ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अब देखो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म ऑफ कॉस रखते हैं बेटा, क्या रखते हैं इन टर्म ऑफ कॉस, कितना होगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उधर ले जाते हैं यहाँ पे मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा, यहाँ से कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू
वन माइनस कॉस थीटा बाई टू, तो कितना मिलेगा ये वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू इंटू में कॉस थीटा एंड डी थीटा। इस टू को बाहर निकाल लो, कितना मिला माइनस टू इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई करो बेटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये बाहर माइनस इसको प्लस कर देगा, कितना मिल जाएगा रूट इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मिल गया इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ किया नहीं, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन निकालो कितना मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं इस वाले फार्मूले से, आप कॉस लगा दो, कितना आएगा हमारे पास कॉस टू थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू डी थीटा, यहां तक हो गया आपका ठीक। इस चीज को मैं हटा रहा हूं यहां से, बाद में वैल्यू फिर डालनी पड़ेगी ठीक है। अब देखो उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा, यहां पे मिल गया माइनस में टू साइन थीटा, अब देखो ये कॉस टू थीटा बाई टू है, कॉस टू थीटा बाई टू, तो वो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इस टू का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, इसमें ये टू का यहाँ पे भी होगा, टू का यहाँ पे भी होगा, ये टू से टू हमारा क्या होगा कैंसिल आउट, तो वहां पर बच्चा है कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, और वन का हो जाएगा थीटा और प्लस में सी, ये मिल गया हमें, तो यानी हमने इंटरम ऑफ थीटा निकाल लिया, हमें वैल्यू डाल लिया। चलो भाई अब देखो माइनस टू ये साइन थीटा है, तो हमें चाहिए कॉस थीटा, हमें एक्स की वैल्यू पता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा वन माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर x, और यहाँ पे रूट लगाने का दिस, यानी हमें क्या मिल गया बेटा इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ टू साइन टू रूट में वन माइनस x, ये प्लस हमें चाहिए साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा निकालने के लिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ साइन टू थीटा निकालने के लिए बेटा टू साइन थीटा इंटू में cos थीटा ठीक, टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये टू से टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, तो ठीक है हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई रूट में वन माइनस एक्स, रूट में वन माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट एक्स, ये डिवाइडेड बाय टू इंटू टू ये टू ठीक है, ये देखो कट गया हमारे पास, यानी साइन टू थीटा की वैल्यू पता चल गई, ये लिख देंगे कितना आएगा हमारे पास एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, रूट एक्स जब भी अंदर जाता है तो स्क्वायर के टर्म में होकर जाता है प्लस में थीटा। अब थीटा निकाल लेते हैं, थीटा कैसे निकालेंगे बेटा, हमें लेट किया था क्या कि x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लेट किया इंप्लाइज दैट रूट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x प्लस में सी, ये हमारा आंसर होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा दिस लिख लो इस चीज को, ठीक ये पार्ट डन हो गए, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो भी था ठीक है ना, अगला देखते हैं एक मिनट का। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके बाद, हाँ ठीक है यहाँ तक, अब अगला करते हैं, ये तो आपका हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं करवा देता हूँ, 21 आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका चार नंबर में आता है, क्या लिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x इंटू e टू दी पावर x dx, ये 21 है ठीक है 21, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा देखना, अगर कभी भी आपको cos के साथ 1 और e पावर लगा हो तो cos के साथ कभी भी आप दिक्कत पहले तो 1 को रिड्यूस ही कर दो, किसी तरह का 1 को रिड्यूस कर, चल भाई 1 को रिड्यूस कर लेते हैं, आपको कितना मिलेगा 2 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये माइनस 1 से कट गया आपका, तो कितना मिलेगा हमारे पास 2 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय कितना मिला बेटा 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है ये हम आई लेट करके जा रहे हैं ठीक है। अब देखो इस sin 2x को भी ब्रेक कर दो आप, sin 2x को ब्रेक करो बेटा कितना मिलेगा 2 प्लस 2
साइन एक्स इंटू ने कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स दिस टू बाहर लेके कॉमन काट दो यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें इंटीग्रेशन वन प्लस साइन एक्स इंटू ने कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स क्लियर यहाँ तक यहाँ पे अलग अलग कर लो बेटा जब आप अलग अलग करोगे कितना मिलेगा ये मिल जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ से देखो अलग करोगे कॉस से कॉस कट जाएगा आपको मिलेगा टेन एक्स और e to the power x dx हर जगह e to the power x है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी क्यों मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ठीक है और यहाँ पे भी है हर जगह क्लियर अब देखो e to the power x हमें मिल गया अब इसको देखो ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा इसको हम सॉल्व करते हैं इन दोनों में किसका डेरिवेटिव पता है आपको होगा सर tan x का पता है तो हम tan x से सॉल्व करते हैं e का मल्टीप्लाई कर इसको ऐसे लिख लेते हैं tan x e टू द पावर x प्लस में यहां पे लिखना है बेटा सेकंड स्क्वायर x इनटू e टू द पावर dx e का मल्टीप्लाई tan के साथ किया e का मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर x के साथ किया अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इसको नहीं छोड़ेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो क्या होगा हमारे पास tan x as it is into e to the power x का इंटीग्रेशन प्लस सॉरी माइनस साइन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी सेकंड स्क्वायर x into इंटीग्रेशन e to the power x dx और प्लस में इसको as it is सेकंड स्क्वायर x dx और e to the power x ये है ठीक e to the power x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है हमारे पास e to the power x तो कितना हो जाएगा e to the power x सेकंड x into this इसको लिखेंगे सेकंड स्क्वायर x into e to the power x dx प्लस में इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x into e to the power x dx डन अब देखो ये चीज हमेशा कटेंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी tan x e to the power x plus c ये पूरा सॉल्यूशन है इसका देखो यहाँ पे भी आप कर सकते थे f x f dash x into e x वाला फार्मूला लगा तब भी आ जाता लेकिन ये लंबा था इसलिए मैंने बता दिया चलो भाई अगला अच्छा 22 आपका पार्शियल फ्रैक्शन है खुद से करना है आपको ठीक है tan इनवर्स रूट x 1 by समथिंग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 23 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 कितना है हमारे पास tan इनवर्स रूट में 1 minus x and 1 plus x dx इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है ये रूट में ठीक है इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है चल भाई देखो यहाँ पे रूट से बाहर निकलने की कोशिश करो बस और रूट से बाहर जब आप निकल जाओगे आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा ठीक है चल भाई देखो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आप पुट करते हैं बेटा यहाँ पे पुट करते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा वही जो भी पुट किया एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं बेटा कॉस थीटा भाई टू डी थीटा भी पुट कर सकते हो कोई नहीं यहाँ पे कितना होगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस में साइन थीटा इंटू डी थीटा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस यहाँ पे पुट कितना आएगा हमारे पास टेन इनवर्स रूट में वन माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन है इसको मैं बाहर कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे साइन थीटा इंटू में डी थीटा अब इसको रिड्यूस करता हूँ वही कॉस के फार्मूले से टेन इनवर्स रूट में वन माइनस में वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अभी आना चाहिए आपको डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं बेटा वन प्लस में टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन साइन थीटा एंड ठीक यहाँ से देखो वन से वन कैंसिल आउट होगा दोनों जगह ये बन जाएगा टेन थीटा यहाँ से मिल जाएगा हमें दिस यहाँ से मिला बेटा टेन इलेवंस यहाँ पे क्या मिल जाएगा टेन थीटा बाई टू सॉल्व करेंगे तो हमें tan theta by 2 into में theta d theta ये tan से tan कट जाएगा आपको तो मिलेगा क्या बेटा यहाँ पे tan से tan कटा यहाँ पे मेरा theta by 2 sin theta d theta यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो बेटा यहाँ से माइनस में हम 1 by 2 बाहर कर लेते हैं ठीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट theta एलिस sin theta का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos theta
माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा 1, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस थीटा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे डी थीटा, इसको सॉल्व कर लिया, कितना आएगा हमारे पास माइनस में 1/2 माइनस थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस, ये प्लस कर देगा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस में सी। अब थीटा में तो वैल्यू थी नहीं, हमको इंटरम ऑफ एक्स जानना है। देखो यहाँ से थीटा से निकाल लो एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस में साइन थीटा बाय 2 एंड प्लस सी। थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर रख देते कॉस इनवर्स एक्स इंटू, सबसे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा निकाल सकते हैं यहीं से, साइन थीटा इक्वल टू होगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस में साइन थीटा कितना होगा बेटा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में, यही हमारा आंसर होगा, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, डन। ये मैंने 23 करा दिया आपको, ठीक है ना। अच्छा आप देखो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे cos थीटा है ना, यहाँ पे cos थीटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे x रखो, खत्म बात, ये आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिस नेक्स्ट वाला 24 आपको घर पे करना है, 24 के बाद 25 में करवा लेता हूँ, वही e to the power x वाला है आपका, 25 में करवा लेता हूँ। देखो 25 के हमारे पास इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से पाई e टू द पावर x 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x dx, यहां पे माइनस में 1 माइनस साइन x दिस और डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस। चल भाई इसका हम करते हैं बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है 1 माइनस कॉस है, जब भी कॉस के साथ हमें देखो 1 को रिड्यूस करो, पहले देख भाई कितना मिलेगा हमें पाई बाई 2 से पाई ये e टू द पावर x 1 माइनस साइन एक्स को मत रिड्यूस करो, इसको कम ये 1 माइनस में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और dx, कितना आएगा हमारे पास पाई बाई 2 पाई e टू द पावर x ये 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना मिलेगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डीएक्स, अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि 1 बाय 2 तो रह गए हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, कितना मिलेगा पाई बाय 2 पाई ई टू द पावर एक्स, देखो यहाँ पे करोगे तो 1 बाय 2 ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 मिल जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन 2 एक्स को ब्रेक कर लो 2 साइन एक्स बाय 2 लिख देता हूँ, 2 sin x by 2 into में cos x by 2 divided by 2 sin square x by 2 dx, ये 2 से 2 गया sin से sin कट गया हमारा, ये अलग हो गया तो 1 by 2 something, ठीक है। यहां से कितना मिला हमें pi by 2 से pi, pi by 2 से pi e to the power x, यहां पे मिल गया 1 by 2 cosecant square x by 2 माइनस में यहाँ पे देखो cos पर में sin कितना मिल जाएगा आपका cos x by 2 dx, then अब देखो cot और cos में किसका आपको इंटीग्रेशन पता है बेटा, cot और cos में cosec में, तो आपको वैसे cot cosec का पता है, हम लिख लेते हैं, देखो कितना मिलेगा हमें, इसको अलग अलग कर लेते हैं बेटा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ माइनस बाहर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, ये मिल गया हमें पाई बाई 2 से पाई, और ये मिल गया बेटा कॉट एक्स बाई 2 माइनस में कोसेकेंट एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, ये मिल गया हमें, और यहाँ पे 1 बाई 2 कर रहा हूँ, ठीक है क्लियर।
डन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? चल भाई अब देखो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, कितना मिल गया हमें पाई बाई टू से पाई, ये माइनस साइन बाहर है आपका, इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इसको लिख रहा हूं बेटा cos x / 2 * e टू द पावर x माइनस है ये 1/2 cosec स्क्वायर x / 2 * e टू द पावर x dx। मैंने कहा कि जिसका डेरिवेटिव पता उसी को हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो ये कितना मिल गया हमें देखो यहां पे फर्स्ट * सेकंड ये cot x / 2 रहेगा हमारा * e टू द पावर x का इंटीग्रेशन दिस माइनस में, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे कितना मिलेगा बेटा पाई बाई टू से पाई, ठीक है पाई बाई टू से पाई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब तो मिलेगा माइनस में कोसेकेंड स्क्वायर, माइनस में कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करोगे तो वन बाई टू ये प्लस हो जाएगा इन टू ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे वन बाई टू इंटीग्रेशन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, और ये भी हमारा क्या है पाई बाई टू से पाई, और ये भी हमारा क्या है बेटा पाई बाई टू से पाई, ये देखो कट गया हमारा 100% कटेगा, हमें मिला केवल इतना, हम लिख सकते हैं माइनस cot x / 2 * e टू द पावर x पाई बाई टू से पाई, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ये मिला हुआ कंप्लीट, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं cos पाई बाई टू माइनस में cos पाई बाई टू डालोगे बेटा cos पाई बाई टू की वैल्यू होती है कितनी जीरो, e टू द पावर x माइनस पाई बाई टू डालोगे ये मिल जाएगा cot pi by 4 into e to the power pi by 2, यहाँ पे pi लिख दिया, ठीक ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये तो जीरो ये प्लस में आ जाएगी, तो प्लस में कितना e to the power pi by 2 प्लस में यानी e to the power pi by 2 इसका आंसर, इसका e to the power pi by 2 क्या है आंसर, डन क्लियर बेटा लिख लो इस चीज को, ये खत्म हो गया आपका 20 सी तक मैंने करवा दिया, ठीक है बाकी हम आप कल करेंगे, अभी मैं फिर डालता हूँ कोई वीडियो वगैरह होगी तो, ठीक है बेटा।